पिता के गेट के बाहर की गंदगी किसने साफ कर रही है? अभी अभी एक तो नाव कह रहे यार, अभी से एक अपन को बुलवा ला। इधर ये बाउंसर, ये भाई तू मदी है, ये फोन नीचे। अच्छा अंदर निकल आओगे, अंदर कैसे जाता? ये क्या कर रहा है? आज बस है से? हाँ, पूरी आदत तू। और
अभिषेक पाजी थोड़ा अंदर छोड़ के मोबाइल में छाप रहा है। क्यों? क्या हो रहा है?
फोन कर रहा तो फोन नहीं उठा। तुम्हारे चाहते का साइड ठीक है जन करता बात यहाँ पर नया जी ठीक है मेरा निकालना पड़ेगा बपिदा मेरी एक तो लेजेंड तो हैं ही लेकिन मेरी फैमिली जैसे हैं। मैं बप्पा के भी बहुत क्लोज हूँ, रेमा दीदी के भी बहुत क्लोज हूँ और अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अभी उनका बर्थडे हमने मनाया था 69th एंड बहुत ही सैड है। और बपिदा को हम हमेशा प्यार से याद करेंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ अपने करियर का एटलीस्ट एक गाना गाया है और उन्होंने हमेशा मुझे बच्चे की तरह प्यार किया। सो आई विल ऑलवेज हैव हिम इन माय हार्ट लाइक अ फादर ऑलवेज। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कौन बोला सॉन्ग भाई किधर जाना।
बाहर निकलता हूँ। अरे सर कोई पीछे करो, अरे कौन है सर पीछे करो, अरे पीछे और पीछे और पीछे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा फिर। एक दिन पहले गया मैं बगल में, आई गाइस से बात कर ली। कौन है रे, कौन है, कौन भागा रे, ये कौन भागा हूँ इधर, कौन है वो सर। हाँ मैं देखा था ना, मैं आखिर तो बोला था ना आखिर ना मारो फोटो सर 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 एक सेकेंड सर, वन स्टेप थोड़ा पीछे जाएंगे प्लीज। सर यहाँ से ठीक 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 चलो धन्यवाद। आप दिन दिन बोरेगा पैर तो पड़ा रुकिए ना जी,
बैठ हो गई आप लोग सुभाष जी डन अरे छोटे वीडियो तो हाँ सर सुभाष जी ने 15 फिल्में की पपीता के साथ डिस्को डांसर टार्जन सोशल मदर डांस सर चलो सामने मारे भाई रुको भाई रुको भाई रुको रुको ना प्लीज पीछे हां रुको ना फिर ये लाइक कीजिए थैंक यू दादा रुकिए मैम वही लॉस। एक तो क्या है उनसे, एक तो बापी अंकल जैसे लोग बनते नहीं हैं, मतलब उस तरह के लोग नहीं होते। म्यूजिशियंस आए हैं गए हैं, लेकिन इतना उनकी जो पर्सनालिटी है, इतने खुशहाल मिजाज के, जहाँ पे जिस कमरे में घुस जाते थे वहाँ पे ऐसे खुशियाँ बिखर देते थे। ये क्वालिटी है जो बापी अंकल की, वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। और मुझे लगता है म्यूज़िकली ऑल्सो जिस वक्त वो आए, उस वक्त आकर बॉलीवुड में जगह बनाना, अपना एक अलग छाप छोड़ना, अपनी तरीके की म्यूज़िक करना और छा जाना, एक दशक तक छाए रहे, बहुत बड़ा यू नो इट्स अ बिग थिंग, नहीं होता इतना आसानी से। और मुझे लगता है बपीदा को सिर्फ ऐसा, आजकल जैसे ट्रिब्यूट में हर लोग मैसेज कर रहे हैं कि यू नो डिस्को किंग इज नो मोर, एंड मुझे लगता है डिस्को तक बांध के नहीं रखना चाहिए। वो बहुत विशाल थे, किशोरदा के कुछ बेहतरीन गाने जो है ना बपीदा ने दिए हैं। और आई थिंक वी शुड, और वो टाइमलेस है क्योंकि आज भी उनके गाने रिमिक्सेस होते फिर हिट हो जाता है। विल मिस हिम। कोई कुछ ऐसी मेमोरी जो कुछ है गाना था आपकी, कोई फन लविंग मेमोरी? कुछ नहीं, बापीदा से कोई मिलते थे बुलाते थे, हाथ से बैठाते थे बगल, और बहुत क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और जैसे ही मैं बोलता था अभी काम नहीं है कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो वो इनक्रेज करते थे। मतलब बापीदा का यही था कि काम करते रहो, और बापीदा आखिरी वक्त तक बापीदा खुद काम करते रहे, मतलब ही वॉज स्टिल कंपोजिंग गिविंग म्यूजिक इज अमेजिंग। थैंक यू। अपने हाइट टेंशन मत आया था, अरे छोड़ो तुम चप्पल दे भाई मेरे पापा पीछे आएंगे तो फुल नहीं, फुल मिल जाएगा Thank you.
भाई भाई आपका कैमरा पीछे लो ना भाई, कैमरा पीछे खालिद पीछे लाइट मार दे, ध्यान तो छोड़ दो, आगे मत जाओ। फोटो पे ध्यान दो, फोटो पे ध्यान दो, क्या बात है, फोटो हेलो, पीछे 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 सर, पीछे चलिए, हो गया।